वेलकम बैक टू प्रियो व्लॉग्स चैनल। कैसे हैं गाइज आप? सो होप सो सारे सारे एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज आ रही हूँ गाइज काफी टाइम बाद, मतलब कल ही गई थी, परसों गई थी, और क्या बोलते हैं, मेरा पेपर था एंड आज आ रही हूँ मैं कॉलेज। पेपर देने नहीं जा रही हूँ, काफी टाइम स्कॉलरशिप का काम करने जा रही हूँ बिकॉज मेरी स्कॉलरशिप अटक गई है, राइट, आ ही नहीं रही है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी बैंक की जो डिटेल्स है वो अपडेट होने को है, ठीक है, तो उसको अपडेट करने ही जा रही हूँ आज। तो आज आपको पूरा कॉलेज दिखाऊंगी, करसो कॉलेज, GDC करसो कॉलेज की कैसा है हमारा कॉलेज, पूरी वो चीज़ें बताऊंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको करसो, मतलब जो GDC करसो गया ना कॉलेज, वो एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी आपको हर एक चीज़ वहाँ का। तो अभी तो मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे घर के पास ही बस रुकती है तो वहीं पर जाऊँगी। साइड से रोशनी आ रही है तो उल्टा ही करके चलना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे अभी यहीं वेट करते हैं सामने ही बस का, फिर बस में जाते हैं एंड आपको कॉलेज दिखाते हैं आज, एंड ऑफिस भी जाऊंगी आज मैं। फिर से सुबह का व्यू कुछ ऐसा दिखता है गाइस। शुरू आजा, आ रहा है कि नहीं? शुरू पुत्र आजा, जा जा जल्दी, छेती छेती छेती, बस आई मेरी, बस आई मेरी, जल्दी है जल्दी। आजा मेरे बच्चे, आजा 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 प्यारा सा बच्चा मेरा। क्या हुआ क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, बाय, बस आ गई मेरी। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज की कैंटीन के पास एंड बस से आई, फिर हम पैदल चले, मैं और एक मेरी फ्रेंड है पूजा, मेरे घर के पास जैसे उसका घर भी, और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं बढ़िया से, मस्त धूप लगा रहे हैं। थोड़ी देर फिर जाऊंगी मैं कॉलेज के अंदर, वो अपना काम करने स्कॉलरशिप का। अभी यहाँ पे पता, पहले जब कॉलेज खुला होता है ना तब इतना फुल होता है, यहाँ पे बैठने के लिए भी चेयर नहीं, ये नहीं होती है खाली, बट आज देख लो कितना ही सुनसान है सुनसान कॉलेज। और ये आगे कल्पना जी भी ऊपर से, अब चलते हैं कॉलेज के अंदर तो फिर करते हैं स्कॉलरशिप वगैरह का काम। गाइस फाइनली अभी यहाँ से बैठ के हम चल पड़े हैं कॉलेज के अंदर एंड अभी दिखाऊंगी मैं आपको कॉलेज पूरा। आज मेरी जो कैमरा मैन बनी है वो बनी है कल्पना शर्मा, ठीक है, वो आपको अपना फेस तो दिखाने से रही ना, बट थोड़ी सी मैं देर करती हूँ, ये है कल्पना शर्मा, ठीक है, तो ये मेरी कैमरा मैन बनेगी और मैं आपको दिखाऊंगी पूरा हमारा कॉलेज, GDC करसो कॉलेज। यार ये आ रहा है पीछे से ना, कहीं हमारे को मारी ना दे, चलो चलो लगा के रखिए, जाने दो जान दो। गाइस फाइनली ये कॉलेज का, GDC कॉलेज का मेन गेट, नीचे को करो कैमरा, ये थोड़ा मतलब परफेक्शन नहीं है कैमरे में, ये यहाँ पे मेन गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ से पूरी, मतलब ये हमारा कॉलेज का मेन गेट है, यहाँ से अंदर होके यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी है, इस साइड भी दिखा, ये यहाँ पे पार्किंग के लिए होती है, ये जो पार्किंग है ना ये स्पेशली, मेरे कैमरामैन दे दो, ये जो पार्किंग है ना गाइस ये है क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड उधर ली साइड अभी मैं दिखाऊंगी जहाँ पे मैं जाऊंगी, राइट, ये है मेन गेट, देख सकते हैं आप GDC करसोक, एंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये जो पार्क, यहाँ देखो इतने अच्छे पेड़ लगाए गए, और ये पार्किंग स्टूडेंट की थी, एंड ये वाली जो पार्किंग है ना यहाँ से अंदर, ये जो पार्किंग है ये है टीचर वाली पार्किंग, ठीक है, यहाँ पे टीचर वगैरह पार्क करते हैं अपनी गाड़ी वगैरह को। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कॉलेज का पूरा यहाँ से बढ़िया से एक नज़ारा, देख सकते हैं आप सारा सारा कितना बहुत ही अच्छा, मैंने 3 साल यहाँ पे बिताए अपने, यहाँ से एंटर होते हैं, मेरा कैमरा मैन भाग गया है, और जैसे ही हम कॉलेज में एंटर होते हैं गाइज हमको सीधे ही सामने सरस्वती मैया दिख जाती है, ये देख लो, वाओ, ये रंगोली भी बनाई है, नॉट मी बट यू, ये NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, राइट, और यहाँ से मैं बाद में ऊपर को जाऊंगी गाइस। तो अभी ना मैं नीचे स्टाफ रूम वाले रूम पे गई थी तो उन्होंने बोला कि मेरा काम हो जाएगा, राइट, तो मैं स्कॉलरशिप का वैसे भी काम करने आई हूँ, वैसे भी मेरी बैंक डिटेल जो है ना पासबुक वो अपलोड करने को है उस साइट पे, तो वो इसी वजह से मेरी स्कॉलरशिप रुकी थी। और ये जो है ना ये प्रिंसिपल ऑफिस है, यहाँ पे सीधे जैसे ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर का व्यू मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ एंड सेकंड फ्लोर पे अगर मैं बात करूँ, ये ICT रूम है हमारा, यहाँ पे सर बैठते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, और ये सेकंड फ्लोर है, इस साइड को मेरी मैक्सिमम क्लासेस लगती है, इस साइड को 204 206, ये सारी, आज ना कॉलेज बिल्कुल शांत है बिकॉज मतलब कि कॉलेज ना सारे बंद हो चुके हैं, और
बस कॉलेज में कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट आते नहीं क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां 1 तारीख से पड़ गई, बट पेपर होते हैं इसीलिए हम आते हैं। आज मैं स्पेशली इसी काम को लेके आई हूँ, तो सर ने बोला कि अभी एक और सर है वो करेंगे मेरा काम, तो वो अभी नहीं है, आप बाहर जाके वेट करो, फिर मैं आपको पूरा कॉलेज ही दिखाने वाली हूँ। और ये जो है ना, ये हिंदी वाली टीचर का कैबिन है, और ये जो है ना, ये इंग्लिश वाले सर का कैबिन है। मेरे जो टीचर है वो इसी कैबिन में रहते हैं। ये हमारा टॉप फ्लोर है, इसमें भी मतलब बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये ना आर्ट्स ब्लॉक है जहाँ पे अभी मैं घूम रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कमर्स का जो ब्लॉक है, मतलब वो दूसरी साइड है, यहाँ से एंटर हो जाता है। ये जो है ना, ये कमर्स का ब्लॉक है, ये देख सकते हैं आप, इस साइड को सारी कमर्स की क्लासेस लगती है। एंड हमारी जो क्या बोलते हैं लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी उधर है, उधर है सामने, वो लाइब्रेरी है। ये यहाँ पे बताती हूँ आपको, स्टेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी बताती हूँ। ये कॉलेज के अंदर अभी क्या है, नया नया ऑडिटोरियम जैसा, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हम फेस्टिवल जो भी करते हैं ना, सारे के सारे प्रोग्राम वो यहीं पे होते हैं। और ये ऊपर से इसमें ऐसी चादरें लगाई हुई है वाइट कलर की, ताकि बारिश ना हो। ये इस तरह से हमारा कॉलेज। एंड आपको गाइस साइंस ब्लॉक दिखाया, वो जो दिख रहा है ना आपको पहले, वो है साइंस ब्लॉक, वो वाला। ये जो है ना, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये आर्ट्स ब्लॉक है। और ये देख लो, यहाँ पे पेड़ भाई आए। फाइनली गाइस मेरा काम ऑलमोस्ट गया, पूरा डन हो चुका है। एंड अब निकल रही हूँ मैं, पानी की बॉटल मैंने भर ली बिकॉज बहुत ही प्यास लगती है। एंड अभी कर रही हूँ मैं कॉलेज को टाटा बाबाए, अब आऊंगी मैं, अभी मेरा पेपर है 9 तारीख को, फिर आऊंगी 9 तारीख को मिलने। एंड अभी फिलहाल निकलते हैं घर की ओर, और कल्पना शर्मा जी भी मेरे साथ हैं। हाय कर देती यार, हमेशा शर्माती नहीं है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अब आपसे, कुछ खाएंगे वाएंगे नहीं, सीधा घर में मिलेंगे। अब यार जब बस मैं बैठेंगे तब मिलेंगे। गाइज अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर, अभी बज रहे हैं शाम की 3:30। एंड 3:30 बजे मैं घर पे पहुंची, मतलब मैं 2:30 बजे पहुंच गई थी। फिर मैंने खाना वगैरह खाया, वो सारी चीजें, मतलब थोड़ा बहुत कुछ काम ही नहीं किया, खाना ही खाया, मतलब किचन थोड़ी सी साफ की जो मैंने गंद डाला था, ठीक है, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मैं उसके बाद ना कॉलेज के बाद ऑफिस चली गई थी, ऑफिस के बाद मैं घर आई, फिर ऑफिस में मेरी एक मीटिंग थी, एक अपॉइंटमेंट थी, है ना, उसके बाद मैंने उनसे मिले, उनको बताया, काम बताया, ठीक है, उनके साथ मीटअप करा, देन जाके मैं फिर 1:45 पे बस आती कुरसोक से, फिर मैं उसमें आई। और अब फाइनली देख लो, अब मैं घर पे हूँ, अपने रूम पे हूँ। आज ये जो है, ये न्यू होम का मेरा न्यू रूम है, मतलब ये मेरा कमरा है अगर मैं न्यू घर पे होती हूँ। एंड अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। आई होप जो भी आज का मैंने छोटा सा ही ब्लॉग था, राइट, आपको कॉलेज दिखाया, मतलब वो सारी चीजें करी जो, मतलब डेली एक एक्टिविटी होती है ना, डेली एक्टिविटी वही बताती हूँ मैं आपको, ऐसा तो कुछ बताती नहीं हूँ कि कुछ खास बताती हूँ, बट जल्दी मेरा होम टाउन का मेरा जो एरिया है वो कैसा है, कहाँ पे रहती हूँ मैं, क्या क्या चीजें मेरी एरिया के अंदर है, वो ब्लॉग जल्द आने वाला है, तो आप उसके लिए एक्साइटेड रहो। बाकी जो ये ब्लॉग है, आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो ना, प्लीज तब भी यार लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारा प्यार दो, ठीक है। और बाकी गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।